अभी हाल में आपने एनआई की रिपोर्ट देखी होगी, अभी ट्वीट भी किया गया है जिसमें कहा गया कि जनवरी 20 को इंडिया और चाइनीज जो फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस के बीच में क्लैश हुआ नाकुला पास, जो कि नदन सिक्किम में लोकेटेड है। अगर आप पूरे एलएसी को देखते हो तो इससे पहले भी कई जगहों पे जैसे क्लैश हुआ था, पैंगोंग त्सो लेक है, गलवान वैली है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, जो रीजन है वहां पे चाइनीज ने अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करने की कोशिश की थी, जो स्टेटस को है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उस पर बदलने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे दूसरी जगह देखने को मिल रहा है जो कि नाकुला। नाकुला एक जगह है जो कि सिक्किम के नदन साइड में लोकेटेड है, और ये जो नाकुला है ये इसका लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटजिक है। मतलब अगर आप तिब्बत और सिक्किम के बीच का इसे एरिया कंसिडर कर सकते हो, और चाइनीज अगर यहाँ प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी चुंबी वैली तक उनका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, और यहाँ तक अगर वो क्लोज आते हैं तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी वो काफी आ जाते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा एरिया है जो कि इंडियन मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जोड़ता है, और बहुत ही छोटा ये कॉरिडोर है, तो वहां भी इनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो सकती है। दूसरा ये है कि चाइनीज या जो चाइना के आर्म फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन और या फिर एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में जो भी हुआ था गलवान वैली में उसके बाद से लगातार बातचीत हो रही है, कमांडर लेवल टॉक जो है लगातार हो रही है, और ये दिखाने की भी कोशिश की जाती है, प्रयास करने की भी कोशिश की जाती है शो करने की कि हम लोग बॉर्डर टेंशन को दूर करना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले चाहे अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, चाहे अब जो नाकुला पास है जो कि नदन पार्ट है जो सिक्किम में, वहां तक वहां पे वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पे फिर क्लैश भी हुआ, 20 PLA के जो सोल्जर्स वो इंजर्ड हुए और 4 इंडियन सोल्जर्स आपके इंजर्ड हुए। तो ये जो भी स्टेप लिया जा रहा है चाइना के द्वारा, ये एक डायरेक्शन के तहत लिया जा रहा है, और वो एक सिंपल सा डायरेक्शन है, वो यही है कि बॉर्डर टेंशन मेंटेन रखा जाए। बॉर्डर टेंशन वो मेंटेन भी इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि चीजें अगर स्टेबलाइज होंगी, खासतौर से इन जो एरियाज में हैं जहां पे चाइनीज अपना क्लेम बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, चाहे वो तवांग इलाका हो या अक्साई चिन का इलाका हो या कुछ इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हो या सिक्किम के कुछ इलाके हो, यहाँ पे वो हमेशा से टेंशन क्रिएट करना चाहता है, जिससे ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो यहाँ पे डिस्प्यूट है, और इसे बफर एरिया के रूप में वो कंसिडर करता है और करना भी चाहता है कि अगर यहाँ पे चीजें स्टेबल हो गई तो इंडिया तिब्बत के ऊपर जो अपना क्लेम है वो शायद करना शुरू कर दे, क्योंकि तिब्बत भी इलीगली चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है, इसलिए वो उस टेंशन को हमेशा के लिए वो मेंटेन करके रखेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नाकुला जो पास है वो नदन सिक्किम में आपका लोकेटेड है। फॉर मोर सच वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द कंसेप्ट चैनल।